फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कान्हा जी आप लोग को और आपके परिवार को खूब सारी खुशियाँ प्रदान करें एवं अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। चेंज अब जा रही हूँ निवी को लेकर, उसे ना लेकर उमरिया जाना है क्योंकि उसे आराम नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा चलो उमरिया भेज देती हूँ, ले जाती हूँ, क्योंकि ना बच्चे रोते हैं, परेशान करते हैं तो मज़ा नहीं आता। मैंने हर प्रकार की दवाई दे दी क्योंकि जो भी आप लोगों ने कमेंट में बताया था, जो भी दवाइयाँ उसे हमने ट्राई किया है, बट नहीं उसे आराम मिल रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। हम लोग तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कहीं ले भी नहीं जा सकते कोरोना के कारण। इसलिए हमने सुबह से मामा को बुलवा लिया था कि वो ड्राइव करने के लिए आ जाएंगे। ये देखिए मामा ड्राइव कर रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। अच्छा, इनकी गोदी में ही निवी है क्योंकि ना बाहर मेरे पास रो रही थी। मुझे लगा वो सामने बैठेगी तो शायद वो देखेगी सारी चीज़ें तो उसे अच्छा लगेगा। ये देखिए निवी कितनी दुबली हो गई है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसे देख देख कर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है क्योंकि ना बच्चे ठीक नहीं रहते तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, इसलिए वो ठीक हो जाए। और ये हो रही है कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। आज कान्हा जी का बर्थडे है तो गुड़ के लड्डू हमारे यहाँ हमेशा हर साल ही बनते हैं, मम्मी हर बार ही बनाती है गुड़ के लड्डू, तो मतलब बनना ही है घर पर। तो ये देखिए गुड़ के लड्डू की तैयारी हो रही है। ये है चिरौंजी और ये है पोस्ता, ये बादाम और ये मखाना। इन से चारों चीज़ों को अलग अलग घी में फ्राई कर लिया गया है। ये मखाना मैं तोड़ रही हूँ, इसे भी घी में ना फ्राई कर लिया गया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और टूट जाए, क्योंकि ये पूरे बड़े बड़े मखाना तो डाल नहीं सकते लड्डू में, इसलिए मैं इसे तोड़ रही हूँ। और ये किशमिश को नहीं तलते क्योंकि किशमिश तलने के बाद ना वो कड़ी कड़ी सी हो जाती है, तो गुड़ में डालो तो वो अलग सा ही फ्लेवर करने लगती है। ये मम्मी ने गुड़ फेंट लिया है कढ़ाई में। अब इसमें किशमिश और छुहारा डाल चुकी हैं। अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स उस समय सेके थे वो डाल रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना आधी चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए सारी चीज़ें सेक कर एक बारात में रख ली थी उन्होंने ताकि याद रहे। और अलग अलग रखो ना तो बार बार परेशानी होती, ये नहीं डाला वो नहीं डाला, इसलिए सारी चीज़ें इकट्ठी मिला ली थी। ये मखाना पूरा डाल दिया गया है और भी जी, तो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आप लोग को दिखाए थे वो पूरे ड्राई फ्रूट्स डल गए हैं। हाँ, नारियल भी क्रश करके रख लिया था, अब वो डालेंगी क्योंकि उस समय वहाँ पे डाला नहीं था। ये देखिए नारियल क्रश किया हुआ है, पहले ही रख लिया था क्योंकि क्या होता है ना कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत सारा काम हो जाता है और बच्चे भी हैं घर में, फिर उन्हें भी तैयार करो तो काफ़ी काम दिखता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहले ही कोशिश की थी कि काट के रख लें ताकि उस दिन प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए अब मिलाएंगे इसे अच्छे तरीके से, ये ना इसे जितने अच्छे से मिलाओगे ना आप उतने ही अच्छे लड्डू आते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जब चारों ओर मिल जाएँ अच्छे से। अब हाथ से मिलाएंगे क्योंकि अभी ना गुड़ गर्म है, इसलिए इसे मिलाकर फिर हाथ से मिलाएंगे ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से उसमें मिल जाए, क्योंकि कहीं फिर गुड़ रह जाएगा, कहीं ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे ही नहीं। ये देखिए ऐसे करने से ना चारों तरफ अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स पहुँच जाते हैं। ये नीचे से अभी नीचे सिर्फ प्लेन गुड़ होगा क्योंकि नीचे अंदर तक ड्राई फ्रूट्स नहीं पहुँचा है, इसलिए अब इसे चारों ओर अच्छे से घुमा घुमा के ऐसे मसल मसल के मिलाएंगे ताकि जो भी रह गया होगा गुड़ में वो सारा आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए नीचे सिर्फ गुड़ और गुड़ है, इसीलिए इसे अब अच्छे से ऐसे मसल मसल के मिलाएंगे ना तो फिर वो जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना उसमें वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, जो भी रह गया है वो अंदर तक चला जाएगा, फिर इसका टेस्ट वाओ लाजवाब। अब मैं आ गई हूँ रूम में, मैं कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ, मिस नानू को। अच्छा, नानू को अगर पता चल जाए ना उसे कुछ बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, इसलिए वो पीछे पड़ गई थी। मम्मी चलो ना मुझे तैयार कर दो। तो ये देखिए नानू को मैंने ना दुपट्टा पहनाया है, येलो कलर का दुपट्टा घर में रखा हुआ था और इसी साइज का ना ड्रेस नहीं मिल रहा था कान्हा जी वाला, तो मैंने सोचा चलो दुपट्टा ही यूज़ किया जाए। और धोती पहनाते मैंने कभी देखा था,
तो मैं उसे पहना नहीं, सैड सैड में ना पिको नहीं हो पाया था, तो अब इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था कि कहीं पिको हो जाए, इसलिए मैं उसको ऐसे पहना रही हूँ और इंक कर दिया ताकि वो निकले ना, क्योंकि हमारी नानू बहुत शैतान है, वो पता चले निकाल लें। और ये सामने से मैंने फोल्ड कर दिया है कि कहीं से भी सो ना हो, और इससे ना अच्छी तरह के इंक कर दिया ताकि वो दिखे, धोती टाइप से डिज़ाइन बन जाए। और ये दीदी का दुपट्टा था, सीनी दीदी का दुपट्टा था रेड कलर का, मैंने बोला येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, ऐसे ही येलो और ग्रीन, ग्रीन का भी कई बार अच्छा लगता है, येलो रेड ग्रीन। हालांकि मैंने ग्रीन अभी किसी चीज़ में यूज़ किया नहीं है, सिर्फ दुपट्टा लगाया था। दुपट्टे में क्या था ना, मोती लगी हुई है देखिए चारों तरफ से, तो बहुत प्यारा लुक दे रहा था दुपट्टे का, और मैंने ऐसे लगाया था कि वो दोनों तरफ सो करे मोती उसकी। अब ये चंदन लगा रही है, और आप लोग देख भी रहे होंगे मेरा रूम कितना गंदा मचा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, बारिश बहुत हो रही है तो सारे कपड़े कमरे में ही रखे रहते हैं। अब जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे साफ़ करूँगी, अभी तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और फिर निवी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा काम तो बाद में भी होते रहेंगे, जो अभी ज़रूरी है वो हो जाए। बच्चे एक्साइटेड थे बहुत कृष्ण जी बनने के लिए, तो मैंने उसे ये लिपस्टिक, एक बार लगा चुकी थी मैं इसे, अब उसने ख़राब कर ली थी इसलिए दोबारा से लगाई। अब ये जा रहे हैं कान्हा जी नीचे हॉल में, अब देखिए क्या क्या करती हैं हमारी शैतान कान्हा जी। अब ये एंट्री कर रही हैं जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, ये छोटे दादू कान्हा जी की जय, और सारे लोग बैठे हैं। वो शर्मा रही थी थोड़ा सा, अब जाके दादू के पास खड़ी भी हो गई है। अच्छा, वो दादू से बहुत ज़्यादा लड़ती है। और ये क्यूट सी राधा रानी भी तैयार हो रही है अब। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अगर उन्हें कुछ बनना होता है तो। अब ये हमारी नानू ना अगल बगल घूम रही है, क्योंकि उससे भी लहंगे और चोली का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन हम लोगों ने सोचा उसकी साइज पर्सनैलिटी देखेगी वो कान्हा जी बने। ये देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं यार, किसी की नज़र न लगे इन्हें। और ये हमारी राधा रानी क्यूट सी बड़ी प्रिटी लग रही है। कान्हा जी को तो बस वो अच्छा बांसुरी नहीं बोल पाती है, तो बोल रही थी सीटी दो ना। और ये हमारी राधा रानी कलश रखी हुई है घर सर पर, कितने प्यारे लग रहे हैं। हमें लग रहा था इन लोगों की लड़ाई ना होने लगे बीच में, बट बहुत अच्छे से इन लोगों ने पोज दिए हैं, और ये डांस चल रहा है इन लोगों का। बहुत ही मज़ा आया कल हमें इन लोगों को देखकर। और ये देखो, हमें लग रहा था डांस करते करते पता चल लड़ ना जाए, बट नहीं लड़े। और ये मंदिर, एक्चुअली मैंने ना साड़ी नहीं चेंज की थी, मैं ऐसे बैठी थी, मैं आ नहीं रही थी, बट दीदी ने बोला चलो चलते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई थी। मैंने चेंज कौन करे, पास भी ही था मंदिर, और फिर मैंने बोला कोई रहेगा भी नहीं, तो वही ऐसी साड़ी पहन कर आ गई थी। ये देखो मंदिर में इनकी शरारतें चल रही हैं आप। अच्छा, पता है हमें ये लग रहा था कि भगवान ना गिरा दे मंदिर के, क्योंकि ये दोनों की खुरा पाती नानों की ये परिक्रमा कर रहे हैं। मैं, पापा, मम्मी, दीदी आए हुए थे, ये परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। और हो गया, नन्नू और नानू आगे आगे चले गए हैं वो लोग, ये सामने से जा रहे हैं, मैं पीछे थी, मैं इन लोगों के साथ में आगे पीछे थी कि लड़ ना जाएं बस कहीं पे। इन लोगों का भरोसा नहीं, बच्चे हैं ना, तो कब क्या डिस्टर्ब हो जाए इन लोगों का समझ में ही नहीं आता। ये देखो साथ में बैठे हुए हैं, इधर उधर देख रही है नन्नू। बहुत कल बहुत मज़ा आया हम लोगों को। एक्चुअली मंदिर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि बच्चे फिर सोने के लिए भी जीते, उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया था। और फिर घर आके हम लोगों ने केक कट कटवाया, केक भी मंगवा लिया था कि कृष्ण जन्माष्टमी है तो ये लोग राधा रानी बनेंगे, कान्हा जी बनेंगे, तो इन लोगों से केक कट करवा देंगे। ये देखो साथ में इन लोगों ने ना नाइफ पकड़ा हुआ है, अब ये केक कट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन लोगों की शरारतें देखकर। ये देखो कितने प्यार से केक कट कर रहे हैं, और इन लोगों का मन तो हो रहा होगा कि जल्दी से उठा के खा लें, बट टाइम लग रहा था कट करने में। सारे लोग बैठे हैं उसी जगह, कितनी बार कट कर रही है नानू। अब ये देखो इसने निकाला है सबसे, ये पापा को खिलाने के लिए ढूंढ रही थी, पापा सामने आ गए थे,
ये इसने पापा को खिलाया। अब कान्हा जी सब बोल रहे थे कृष्ण जी को खिलाओ पहले, कान्हा जी को खिलाओ, लेकिन बेटियां पापा की परी होती हैं ना, इसलिए पापा को, और ये अब कान्हा को खिलाया इसने, और नानू अब उसे खिलाएगी धीरे से। देखो कितना छोटा सा खिलाया कितना मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा था बाकी लोगों को देखने में। चलिए यहीं से ख़त्म करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो सो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।